हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीएसई ट्यूटोरियल्स। सो यहाँ पर हम जो एक्सेल में सीपीटी के मॉक टेस्ट यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे, इससे पहले हमने एक मॉक टेस्ट वहाँ पर डिस्कस किया था। सो अब हम बात करेंगे यहाँ पर जो सेकंड मॉक टेस्ट है उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे, जिसमें मैंने एक सैम्पल पेपर डाउनलोड किया है नेट से, मैं उसको यहाँ पर डिस्कस करूँगा। सो होपफुली आपको अच्छे से समझ आएगा और आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ पर एक्सेल में नहीं आएगी। सो आप इसका सबसे पहले इस पीडीएफ का यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर पैरेलली दोनों को नहीं दिखा पाऊंगा, एक क्वेश्चन पेपर को और एक्सेल की वर्कशीट को, दोनों को एक साथ नहीं दिखा पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर ये टेबल थोड़ी बड़ी है, ठीक है। सो एडजस्ट करने में प्रॉब्लम आती है। सो आप इस क्वेश्चन का जो ये पीडीएफ है क्वेश्चन पेपर, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर आप देख के साथ साथ उसको बना सकते हैं, या फिर इस पीडीएफ को मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, वहां से आप उस लिंक पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं और फिर आप इजीली उसको देख के इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। सो अभी के लिए आप इसकी यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये दो पार्ट्स में इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले में यहाँ पर आप इस टेबल का यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो कि हमें यहाँ पर बनाना है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद फिर नीचे जो इंस्ट्रक्शंस हैं इनका भी आप एक बार यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। सो आई होप आपने यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और आपके पास अभी क्वेश्चन पेपर आपके मोबाइल में या प्रिंट आउट में कहीं पे भी आपको होगा, तो आप इसको देख के अब यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। सो मैं इसको यहाँ पर बंद कर दे रहा हूँ अभी, ठीक है। अब हम बात करते हैं सिंपल इसको बनाना कैसे है, ठीक है। सो इसके लिए मैं यहाँ पर सिंपल एक सबसे पहले एक्सेल सीट ओपन करूँगा, क्योंकि इसका जो पहला इंस्ट्रक्शंस है वो आप देखेंगे तो इंस्ट्रक्शंस है ओपन न्यू वर्कबुक ऑफ एक्सेल, ठीक है। तो आपको एक न्यू वर्कशीट यहाँ पर ओपन करनी है एक्सेल की, इंस्ट्रक्शन नंबर वन, ठीक है। सो इसका नाम हम बाद में चेंज कर सकते हैं, अभी के लिए मैं इसका नाम कुछ भी रहने देता हूँ, जिसको मैं डबल क्लिक करके यहाँ पर मैं ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर मेरी वर्कशीट ओपन हो गई है जो कि इंस्ट्रक्शन नंबर वन था, ठीक है। इंस्ट्रक्शन नंबर टू है सेट पेपर साइज टू A4 एंड ओरिएंटेशन टू लैंडस्केप एंड मार्जिन टू नैरो और अकॉर्डिंग टू गिवन मेजरमेंट्स, ठीक है। सो यहाँ पर मैं पेपर की साइज है वो मैं A4 सेट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर पेज लेआउट में जाके, ठीक है, इसकी साइज है वो मैं यहाँ पर A4 कर देता हूँ, ठीक है। इसका ओरिएंटेशन है जो यहाँ पर इसने बोला है लैंडस्केप के लिए, तो मैं इसको यहाँ पर लैंडस्केप कर देता हूँ, ठीक है। और इसने बोला है मार्जिन टू नैरो और अकॉर्डिंग टू गिवन मेजरमेंट्स, तो यहाँ पर मार्जिन वाला ऑप्शन है, ठीक है। इसमें आपको नॉर्मल, वाइड और नैरो तीन ऑप्शन है यहाँ पर, ठीक है। सो अब की बार इसने नैरो के लिए बोला है तो हम यहाँ पर नैरो सेट कर सकते हैं, नॉर्मल के लिए बोलता है तो नॉर्मल सेट कर सकते हैं, और आपको कोई स्पेसिफिक मेजरमेंट्स यहाँ पर गिवन हो, जैसे टॉप से इतना, लेफ्ट से इतना, ऐसा कोई भी मेजरमेंट गिवन हो तो आप यहाँ पर चेंज कस्टम मार्जिन करके भी अपनी जो जो टॉप से और लेफ्ट राइट बॉटम से जो भी दिए गए मेजरमेंट्स हैं उनको आप एंटर करके भी यहाँ पर मार्जिन सेट कर सकते हैं। सो फिलहाल हम यहाँ पर नैरो सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। सो अब हमने यहाँ पर इंस्ट्रक्शन नंबर टू है जो एग्जीक्यूट कर लिया है, पेपर साइज हमने A4 सेट कर लिए, ओरिएंटेशन लैंडस्केप कर लिया है, मार्जिन नैरो कर लिया है, ठीक है। सो अब हम बात करते हैं अगर इंस्ट्रक्शन नंबर थर्ड की, ठीक है, जो कि है चेंज फॉन्ट साइज ऑफ सेल टू 14 एंड फॉन्ट नेम टू एरियल, ठीक है। सो मैंने बताया था यहाँ पर सारी सीट का हमें फॉन्ट साइज और जो फॉन्ट नेम है वो चेंज करना है, अगर हम किसी पर्टिकुलर सेल को सेलेक्ट करके करेंगे तो वो उसी सेल का चेंज होगा। सो हमको पूरे सेल्स का करना है तो हम यहाँ से कॉर्नर में इस पर क्लिक करेंगे तो पूरी वर्कशीट यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगी, और अब हम यहाँ पर होम में जाके सिंपल यहाँ पर जो फॉन्ट साइज है उसको 14 कर सकते हैं और जो इसका फॉन्ट नेम है उसको हम एरियल कर सकते हैं, तो अब ये सारे सेल्स का पूरी वर्कशीट का यहाँ पर चेंज हो जाएगा, ठीक है। सो अब नंबर फोर्थ ये बोल रहा है मर्ज द सेल ऑफ रो 4
एंड चेंज फॉन्ट साइज 16, मेक इट बोल्ड, अंडरलाइन एंड सेंटर लाइन। ठीक है, सो ये क्या बोल रहा है, रो नंबर फोर्थ है, ठीक है, इसको आपको, इसके जो सेल्स हैं, ये रो नंबर फोर्थ है, इसके जो सेल्स है उनको ये मर्ज करना है, ठीक है, और इसका फॉन्ट साइज 16 करना है, बोल्ड करना है और अंडरलाइन करना है। ठीक है, सो सबसे पहले मैं यहाँ पर जो फोर्थ रो है, ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पर, इसके सेल्स हैं उनको इसने आई तक यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ है, तो हम आई तक इनको सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इनको यहाँ पे मर्ज कर दूंगा मैं, मर्ज एंड सेंटर लाइन का ऑप्शन है यहाँ पर, इस पर क्लिक करूंगा तो मर्ज भी हो गई है और सेंटर अलाइंड भी हो गया है। ठीक है, सो अब इस पे मैं यहाँ पर लिख लेता हूं, इसने जो क्या बोला है, नेट सैलरी ऑफ एम्प्लॉइज। ठीक है, इसने क्या बोला है, इसको आपको यहाँ पर जो इसका साइज है वो 16 करना है, इसको बोल्ड करना है, तो इसकी फॉन्ट साइज हम 16 कर देंगे। ठीक है, इसको बोल्ड भी कर देंगे और इसको अंडरलाइन भी कर देंगे। ठीक है, सो यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन नंबर यहाँ पर फोर था वो हमने यहाँ पर एग्जीक्यूट कर लिया है, जो कि था मर्ज द सेल्स ऑफ रो फोर, चेंज द फॉन्ट साइज टू 16, मेक इट बोल्ड, अंडरलाइन एंड सेंटर लाइन। ठीक है, जो हमने यहाँ पर कर लिया है। ठीक है, अब ये इंस्ट्रक्शन नंबर फिफ्थ क्या है, मेक द टाइटल ऑफ कंटेंट्स ऑफ रो 5 एंड कॉलम 8 टू सेंटर लाइंस एंड फिगर्स टू सेंटर अलाइन, सॉरी राइट अलाइन। ठीक है, सो अब हम क्या करते हैं, पहले हम जो ये टेबल है इसको हम बना लेते हैं। ठीक है, इसको टेबल को हम यहाँ पर बना लेते हैं सिंपल सा। ठीक है, सो मैं इस डेटा को यहाँ पर एंटर कर रहा हूँ, आपको सिंपल ये सारा डेटा यहाँ पर एंटर कर लेना है। ठीक है, सो यहाँ पर मैंने डेटा को एंटर कर लिया है। ठीक है, हाँ, मुझे पता है कि आपको डेटा को एंटर करने में थोड़ा अजीब सा लगा होगा, क्योंकि यहाँ पर जो सेल्स में डेटा है वो काफ़ी लेंदी लेंदी है, तो ये काफ़ी अटपटा लगा होगा आपको। ठीक है, सो हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं यहाँ पर। जैसे नेम है, ये हमारे सीक्वेंस में यहाँ पर जो सेल्स में प्रॉपरली नहीं आ रहा है, ठीक है, ये कट रहा है, तो हम इसको यहाँ पर, इसकी विड्थ है, इसको चेंज करके इसको हम यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और जो जो कि हमारा लास्ट सेकंड लास्ट इंस्ट्रक्शन भी होता है कि जो सेल्स की विड्थ और हाइट है उसको एडजस्ट कर लीजिए इफ रिक्वायर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर रिक्वायर्ड है तो हम पहले ही कर लेते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम देखेंगे यहाँ पर डेजिग्नेशन है, जो भी क्लियरली नहीं दिख रहा है तो इसको भी हम यहाँ पर थोड़ा चेंज कर लेंगे। ठीक है, इसकी विड्थ है जो बढ़ा लेंगे, डेजिग्नेशन भी हो गया। अब यहाँ पर बेसिक सैलरी है, सेम इसी तरीके से बेसिक सैलरी भी हम बढ़ा लेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर आप देखेंगे हाउस में है, हाउस रेंट अलाउंस, जो कि यहाँ तो हाउस ही दिख रहा है। ठीक है, तो इसको भी आपको थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ा लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर ये काफी लेंदी है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इस सेल को सेलेक्ट करके इसको टेक्स्ट को रैप भी कर सकते हैं, मतलब कि इसको टुकड़ों में डिवाइड कर सकते हैं। सो यहाँ पर इसको मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है रैप टेक्स्ट, तो इस पर मैं क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं सेकंड लाइन में, उसी लाइन में, सेल में नीचे वो लिख देगा। ठीक है, जो कि इसने ऐसे ही किया गया है, इसको भी तो हम यही कर लेते हैं। ठीक है, सेम इसी तरीके से मेडिकल अलाउंसेज में भी हम देखेंगे तो मेडिकल तक हम शो करवा देंगे, फिर हम क्या करेंगे इसको टेक्स्ट को रैप कर लेंगे। ठीक है, सो मेडिकल अलाउंसेज यहाँ पर ये दिखा रहा है। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा बढ़ा लेंगे ताकि हमें ऐसे मेडिकल अलाउंसेज प्रॉपर दिख जाए। ठीक है, ट्रेवल वाला है, इसको भी हम यहाँ पर बढ़ा लेते हैं। ठीक है, ठीक है, और इसी तरीके से प्रोविडेंट फंड और नेट सैलरी। ठीक है, सो अब हमारे पास डेटा क्लियरली विजिबल है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हमारा जो है उसको। यहाँ पर हमने यहाँ पर फोर्थ तक डिस्कस कर लिया है, फिफ्थ नंबर का इंस्ट्रक्शन हमारे पास है, मेक द टाइटल ऑफ कंटेंट ऑफ रो 5 एंड कॉलम ए सेंटर अलाइंड। ठीक है, जो रो 5 है इनको आपको करना है सेंटर अलाइंड। ठीक है, और जो कॉलम ए है इनको भी सेंटर अलाइन करना है। अभी आप देख सकते हैं जो ये 1, 2, 3, 4 लिखा हुआ है ये राइट अलाइंड है। ठीक है, राइट में लिखे हुए हैं, तो इनको सेंटर करने के लिए बोला है, तो इनको हम यहाँ पर सेलेक्ट करके, और यहाँ पर आपको ऑप्शन है, यहाँ पर ये लेफ्ट
सेंटर और राइट अलाइनमेंट का है अलाइनमेंट वाले ब्लॉक में, तो मैं सेंटर अलाइनमेंट करूंगा तो ये सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से इसने बोला है कि रो 5 है, इसको भी आपको सेंटर करना है, तो इस पूरी को मैं सेलेक्ट कर लूंगा, ठीक है, और इसको भी मैं सेंटर अलाइन कर लूंगा, ठीक है। अब इसमें आपको ऊपर नीचे में सेंटर करना है तो ये वाले ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। अगर आपको लेफ्ट राइट से सेंटर करना है तो ये नीचे वाले ऑप्शन से, आपको टॉप बॉटम में सेंटर, जैसे रो है तो इसमें टॉप बॉटम में ही सेंटर में करना है, अभी जैसे बॉटम में है तो आपको सेंटर में करना है तो ये वाले ऑप्शन से यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अब आप देख सकते हैं ये सेंटर में हो चुके हैं रो 5 और जो कॉलम ए वाले डेटा है वो, ठीक है। नेक्स्ट इसने क्या बोला है, और जो इनके अलावा हमारा जो डेटा है उनको राइट अलाइन करना है, तो ये जो डेटा है हमारे पास, जो जो डेटा हमारे लिखा हुआ है और यहाँ पर हम फिल करेंगे, ये सारा डेटा राइट अलाइन होना चाहिए, तो इसको मैं सेलेक्ट करके सिंपल यहाँ पर मैं राइट अलाइन कर लूंगा, ठीक है। सो अब हमने इंस्ट्रक्शन 5 है उसको यहाँ पर एग्जीक्यूट कर लिया है, ठीक है। इंस्ट्रक्शन 6 है चेंज द बैकग्राउंड कलर ऑफ अलाउंसेज एंड नेट सैलरी टू गिवन कलर एज शोन इज अबव वर्कशीट एंड यूज एप्रोप्रिएट फंक्शन ऑफ एक्सेल टू गेट दीज वैल्यूज। तो इसने क्या बोला है कि जो अलाउंसेज हैं सारे और नेट सैलरी है, इनका बैकग्राउंड कलर जैसा कि शीट में गिवन है वैसा चेंज करें और इनको कैलकुलेट करें जो भी एक्सेल के फॉर्मूलेज हैं फंक्शंस हैं उनको यूज करके, ठीक है। तो हम यहाँ पर बात करें तो इसने जो सारे अलाउंसेज हैं और नेट सैलरी है इनका बैकग्राउंड चेंज किया है, तो मैं यहाँ से जो भी अलाउंसेज हैं ये हाउस मेडिकल ट्रेवल प्रोविडेंट फंड, ठीक है, इन सबको मैं यहाँ पर सेलेक्ट करके एक साथ इन सेल्स को, और इसका जो फिल करूँगा मैं, इसका जो बैकग्राउंड कलर है उसको इसने यहाँ पर बिल्कुल लाइट ग्रे कलर का सा सेलेक्ट किया हुआ है, जो हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। आई थिंक ये प्रॉपरली विजिबल नहीं हो रहा है हमें, तो मैं थोड़ा और डार्क यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब हमें ये विजिबल है, ठीक है। और इसी तरीके से इसने बोला है नेट सैलरी का, इसका भी जो हम कैलकुलेट करेंगे इसका कलर भी यहाँ पर चेंज कीजिए, इसको मैं थोड़ा और डार्क यहाँ पर कर ले रहा हूँ, ठीक है। सो ये हमने यहाँ पर बैकग्राउंड कलर यहाँ पर चेंज कर लिया है। सो अब हम बात करते हैं जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है हमारा वो 6, इसी में बात कर रहा है आगे कि कैलकुलेट These values using the Excel functions, ठीक है। सो अब हमको इनको कैलकुलेट करना है। अब इनको कैलकुलेट कैसे करेंगे वो हमें गिवन है यहाँ पर, जैसे HRA के लिए हमें कितना परसेंट है बेसिक सैलरी का वो गिवन है हमें, ठीक है। सो इसकी सहायता से हम इनको यहाँ पर कैलकुलेट करने वाले हैं अभी। तो आप देखेंगे HRA है ये बेसिक सैलरी, ठीक है। अब HRA हमें कैलकुलेट करना है तो HRA के लिए इसने दिया गया है नीचे यहाँ पर टेबल के नीचे कि HRA है 9% ऑफ बेसिक सैलरी, ठीक है। तो बेसिक सैलरी हमने यहाँ पर लिखा हुआ है D6 वाले कॉलम में सेल में, ठीक है। सो अब हमें HRA में 9% कैलकुलेट करना है बेसिक सैलरी का। सो आप मैनुअली कैलकुलेट नहीं करेंगे 17,000 का 9% निकालेंगे, जो भी आएगा वो इसमें लिख देंगे, ऐसे नहीं करेंगे। आपको फंक्शंस लगाने हैं या फिर जो भी फॉर्मूला है वो यहाँ पर यूज करना है। तो परसेंटाइल कैलकुलेट कैसे करेंगे हम, सिंपल से बताएं आपको 17,000 का 9% निकालना है तो आप कैसे निकालते हैं, 17,000 मल्टीप्लाई 9/100, ठीक है। सो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, तो इसमें आपको यहाँ पर फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। इस सेल को मैंने सेलेक्ट किया इक्वल्स, ठीक है। अब आपको क्या करना है, किसका निकालना है, बेसिक सैलरी का। तो बेसिक सैलरी पहला जो पर्सन है उसकी बेसिक सैलरी किसमें लिखा हुआ है, D6 नाम के कॉलम में, ठीक है, सेल में। तो मैं बेसिक सैलरी के लिए मैं क्या करूंगा, D6 लिखूंगा यहाँ पर, ठीक है। मैंने जैसे ही D6 लिखा वो ऑटोमेटिक सेलेक्ट भी हो गया है, ठीक है। D6 अब आप इसको क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड 100 करना है ना, तो 100 डिवाइड ना करके आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.01, ठीक है। और फिर मैं मल्टीप्लाई 9 कर देता हूँ, ठीक है भाई। अपन को क्या करना है, अल्टीमेट D6 9/100 करना है ना, तो डिवाइड 100 करना या 0.01 से मल्टीप्लाई करना दोनों का सेम मतलब है, ठीक है। सो मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिखा इक्वल्स D6 मल्टीप्लाई बाय 0.01 9, जो कि D6 का 9% यहाँ पर कैलकुलेट कर देगा। सो मैं एंटर प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पर 1530 जो कि 17,000 का 9% है, इसने यहाँ पर कैलकुलेट कर दिया है, ठीक है।
इसको आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर ऊपर फॉर्मूला बार में देख सकते हैं, इसने हमने जो फॉर्मूला यूज किया है वो फॉर्मूला भी यहाँ पर शो कर रहा है। अब आपको सेम इसी तरीके से इनका भी एच आर ए कैलकुलेट करना है, तो आप सेम तरीके से फॉर्मूला नहीं लगाएंगे हर सेल पर्सन के लिए, क्योंकि वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, मैंने आपको बताया था। अब आपको सिंपल इसको ड्रैग करना है और नीचे यहाँ पर सिंपल इसको ड्रैग करना है, तो ऑटोमेटिक यहाँ पर 9% जो भी बेसिक सैलरीज है इनका ऑटोमेटिक यहाँ पर कैलकुलेट कर देगा। आप देख सकते हैं 9000 का 9% 810 ही होता है, ठीक है। सो इस तरीके से आपको एक कैलकुलेट करना है, बाकी के ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएंगे। अब बात करते हैं हम मेडिकल अलाउंसेस की, जो कि यहाँ पर दिया गया है 6% ऑफ बेसिक सैलरी, ठीक है। सो सिंपल है, अब हमको क्या करना है, सिंपल बेसिक सैलरी D6 है, ठीक है, मल्टीप्लाई 0.01, ठीक है, और अगेन मल्टीप्लाई बाय 6 कर देना है, क्योंकि आपके पास 6% निकालना। मैंने कैलकुलेट किया, वो इसने ऑटोमेटिक यहाँ पर कैलकुलेट कर दिया। सिंपल औरों के लिए हमें इसको ड्रैग कर देना है, ठीक है, काफी सिंपल है, काफी टाइम आपका बचेगा यहाँ पर, ठीक है। इसी तरीके से TA आपको निकालना है, तो TA गिवन है 7% ऑफ बेसिक सैलरी, ठीक है। तो TA के लिए हम क्या करेंगे, D6 मल्टीप्लाई बाय 0.01 और कितना है TA यहाँ पर 7%, तो मैं 7 कर दूंगा, ठीक है। तो इसने कैलकुलेट कर दिया है, सिंपल इसको हम ड्रैग करके औरों के लिए भी कैलकुलेट कर लेंगे। इसी तरीके से यहाँ पर प्रोविडेंट फंड है, जो है यहाँ पर 5% ऑफ बेसिक सैलरी, तो इसके लिए आपको क्या करना है, बेसिक सैलरी जो कि D6 में है, ठीक है, मल्टीप्लाई 0.01 और हमें यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर देना है 5 से, क्योंकि 5% निकालना है, ठीक है। तो ये इसने 5% यहाँ पर कैलकुलेट कर दिया, औरों के लिए कैलकुलेट करना है, सिंपल इसको हम ड्रैग कर देंगे, ठीक है। ये काफ़ी सिंपल है, यहाँ तक आपको सिंपल परसेंटेज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला यूज किया है, जो कि कुछ नहीं है, सिंपल है। हमें कैसे पता है कि किसी भी नंबर्स को डिवाइड 100 करके जितना परसेंट निकालना है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। अब बात करते हैं हम नेट सैलरी, ठीक है। सो नेट सैलरी के लिए इसने क्या गिवन है, नीचे फॉर्मूला नेट सैलरी में इसने दिया गया है, बेसिक सैलरी प्लस HRA प्लस MA प्लस TA एंड माइनस प्रोविडेंट फंड, तो ये हमें करना है, तो इसके लिए इसको बेसिक सैलरी कैलकुलेट कर देगा। अगेन हमें एक के लिए कैलकुलेट करना है, बाकी के लिए ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा, उसको डायरेक्ट कर दी, ठीक। सो इसके लिए हमें यहाँ पर फॉर्मूला लिखना है नेट सैलरी के लिए इक्वल्स इस सेल में, यहाँ पर आप फॉर्मूला इस सेल में भी लिख सकते हैं, या फिर ये सेल सेलेक्ट करके ऊपर फॉर्मूला बार में हम यहाँ जो भी लिखेंगे वो यहाँ पर ऑटोमेटिक लिख जाएगा, या फिर इसका वाइस वर्स यहाँ पर हम जहाँ लिखेंगे ये जो भी लिखेंगे वो ऑटोमेटिक इस सेल में लिख जाएंगे, ठीक है। सो ये काफ़ी लेंथी फॉर्मूला है, तो इसको यहाँ पर हम लिख देते हैं ऊपर फॉर्मूला बार में, इस सेल को सेलेक्ट करके, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे तो वो पूरा क्लियरली आपको विजिबल हो जाएगा, ठीक है। सो फॉर्मूला क्या है, बेसिक सैलरी जो कि हमारे पास है D6 में, ठीक है, D6 प्लस सिंपल आपको ऐड करना है जैसे जैसे उसने बोलता गया, HRA जो कि हमारे पास E6 में, ठीक है, E6, या फिर आप ऐसे सबको नहीं लिखेंगे, ठीक है, ये और भी टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा आपको, या तो रेंज आप दे सकते हैं सिंपल, ठीक है, कैसे रेंज आप दे सकते हैं, कैसे आपको क्या करना है, D6 से लेकर, ठीक है, D6 से लेकर यहाँ पर आपको G6 तक तो ऐड करना है, और फिर H6 है वो सब्ट्रैक्ट करना है, प्रोविडेंट फंड माइनस करना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, सम, ठीक है, सम कैलकुलेट किसका करना है आपको, D6 से लेकर के रेंज गिवन दे देंगे हम G6 तक, ठीक है, G6 तक तो आपको सम करना है, ठीक है, फिर आपको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, क्या करना है इसमें से सब्ट्रैक्ट, जो प्रोविडेंट फंड जो कि है H6, ठीक है, इसमें से H6 आपको यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। सो ये हमारा फॉर्मूला यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, मैं इसको इस तरीके से यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। सो मैं यहाँ पर जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ पर ऑटोमेटिक इसने नेट सैलरी यहाँ पर कैलकुलेट कर दी। इसको मैं सेलेक्ट करके यहाँ पर फॉर्मूला देख सकता हूँ, हमने क्या किया है, सम कैलकुलेट किया पहले D6 से लेकर G6 तक, और उसमें से H6 हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। सिंपल हमने जैसे कि इसने बेसिक सैलरी सॉरी नेट सैलरी कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला दिया है वो हमने यहाँ पर सिंपल लिख दिया है, बेसिक सैलरी से यहाँ पर जो भी अलाउंसेस हैं इनको ऐड किया है
और सिंपल प्रोविडेंट फंड है उसको सब्ट्रैक्ट किया है। तो एक के लिए हमने कैलकुलेट कर दिया है, बाकी के लिए कैलकुलेट करना काफी सिंपल है, इसको सिंपल हम ड्रैग कर देंगे और ये इनकी जो नेट सैलरी है वो कैलकुलेट कर देगा, ठीक है। सो अब हमने मोस्टली काम कर लिया है सारा, जो भी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस है वो हम पढ़ेंगे। क्रिएट बॉर्डर एज गिवन इन अबव वर्कशीट, ठीक है। अब सिंपल है, जो हम पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं, आपको बॉर्डर क्रिएट करना है इन सब के लिए। तो बॉर्डर के लिए क्या करेंगे, आप इसको सिंपल सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करके यहाँ पर आपको बॉर्डर वाला ऑप्शन है जस्ट फॉन्ट के ऊपर, ठीक है। इसको मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पर ऑल बॉर्डर्स सेलेक्ट करूंगा तो ये इसमें आप देख सकते हैं पूरी टेबल में इसको बॉर्डर यहाँ पर लगा देगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट है एडजस्ट हाइट एंड विड्थ ऑफ सेल एज रिक्वायर्ड, ठीक है, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। मैंने बताया था यहाँ पर जो भी क्लियरली विजिबल नहीं हो रहे थे डेजिग्नेशन वगैरह HRA, तो उनको हमने एडजस्ट यहाँ पर सेल की जो विड्थ है उसको बढ़ा के हमने एडजस्ट ऑलरेडी कर लिया, तो ये इंस्ट्रक्शन हम पहले ही एग्जीक्यूट कर चुके हैं, ठीक है। और लास्ट है सेव योर वर्क बुक विद द नेम इन गिवन फॉर्मेट एंड ऑल्सो प्रिंट द वर्कशीट, ठीक है। इसको आपको सिंपल सेव करना है गिवन फॉर्मेट में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिख देना है आपका नेम और यहाँ पर आपको लिख देना है सिंपल रोल नंबर, ठीक है। नेम और रोल नंबर लिखने के बाद इसको आपको सिंपल सेव करना है। सेव करने के लिए आपको क्या करना है, फाइल वाले ऑप्शन में जाएंगे यहाँ पर और सेव एज करेंगे, और सेव एज करके जो भी अपनी रिक्वायर्ड, जो भी मैं डेस्कटॉप पे यहाँ पर इसको सेव कर लेता हूँ, ठीक है। और इसको मैं दे देता हूं एक्सेल मॉड्यूल 2, ठीक है। सो मैं इसको यहां पर सेव कर लेता हूं, ठीक है। अभी यहां पर सेव हो चुका है हमारा डेटा, इसको प्रिंट भी हम सिंपल यहां पर प्रिंट कर सकते हैं, यहां से प्रिंट वाले ऑप्शन पे जाके सिंपल इसको प्रिंट कर लेंगे, ठीक है। सो ये था हमारा सेकेंड एक्सरसाइज जो कि एक्सेल की थी, ठीक है। अभी इसको मुझे बताने में 22 मिनट्स लग गए हैं अराउंड, आपको ये 10 टू 15 मिनट्स में जो भी गिवन टाइम होता है उसमें करना होगा, तो वो काफ़ी इजी है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अभी तो मैं काफ़ी आराम से बोल बोल के आपको समझाया है, तब जाके 22 मिनट्स और 20 मिनट्स के अराउंड लगा है, ठीक है। आप इसको खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो ये काफ़ी सिंपल है और काफ़ी कम टाइम में आसानी से बन जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बस हल्ते कि आप इसको प्रैक्टिस करते रहिए। सो मैंने बताया था कि यहाँ पर मैं एक्सेल की चार जो भी एक्सरसाइज है या कह सकते हैं मॉड्यूल्स हैं वो यहाँ पर करवाऊंगा, तो आज सेकंड नंबर की हमने यहाँ पर कर लिया, ठीक है। सो आप इनको प्रैक्टिस करते रहिए तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, सेम ऐसा ही फॉर्मेट आपको एग्जाम में बनाने को मिलेगा, जो कि आप इजीली यहाँ पर कर सकते हैं। सो मैं मानता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो, आपको अच्छी लगी हो, तो आप इसको लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके मुझे बताएं, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर सकते हैं, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड ऐसी वीडियोज और ट्यूटोरियल्स यहाँ पर मैं अपलोड करता रहता हूँ, ठीक है। और मैं एक बार बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो टेस्ट है, जो मॉड्यूल है, जो मैंने नेट से मुझे मिले थे, मैं वहाँ पर उनको बता रहा हूँ। अगर आपके पास कोई है, कोई टेस्ट है, कोई मॉक टेस्ट है, कोई मॉड्यूल है एक्सेल से रिलेटेड, या फिर पावर पॉइंट का भी हो, जो भी हो, वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मुझे सेंड कर सकते हैं। अगर आप बोलेंगे तो मैं उसको भी यहाँ पर करवा दूंगा, ठीक है। अभी मेरे पास है उनको तो मैं करवाऊंगा ही, बट आप कुछ अपनी तरफ से देना चाहते हैं तो मैं उसको भी यहाँ पर डिस्कस कर लूंगा, मुझे कमेंट करके सेंड कर सकते हैं, ठीक। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।